नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल में इंडिया टू यूरोप। जैसे कि आपको मालूम है कि मैं आपके लिए यूरोप के रिगार्डिंग बहुत सारी वीडियोस लेके आता रहता हूं, तो यार दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिया करो। और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो जो कुछ लोग इंडिया से यूरोप आ रहे हैं और यूरोप आने का सपना देख रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए है, क्योंकि इसमें आज मैं कुछ डिफरेंस बताने वाला हूँ वेज फूड वर्सेस वीगन फूड के बारे में। तो बहुत लोगों को वेज फूड का तो मालूम है, वेजिटेरियन, और बहुत सारों को वीगन फूड का भी मालूम होगा, और बहुतों को नहीं भी मालूम है, क्योंकि यूरोप में बहुत सारे लोग वीगन फूड भी खाते हैं। भाई वीगन फूड क्या है, या वीगन डाइट क्या है, वीगनिज्म क्या है, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। थोड़ी बहुत हम बात करेंगे कि लोगों को किन किन चीजों से एलर्जी होती है और हम इसमें कौन कौन सी सावधानियां बरतें। तो सबसे पहले लेते हैं वेज फूड। आपको सबको मालूम होगा ही कि हमारे इंडिया में बहुत सारे लोग वेजिटेरियन है और वो वेज खाना खाना पसंद करते हैं। इसी बिहार पे बहुत सारे होटल रेस्टोरेंट में वेजिटेबल खाने या वेजिटेरियन खाने होते ही हैं, पर आपको मालूम होगा कि यूरोप में बहुत सारे लोग वेगनिज्म है, जो वीगन डाइट को फॉलो करते हैं। वेज में तो हमारे यही आ जाते हैं, दालें, सब्जियां, घी, दूध, मक्खन। तो वीगन डाइट में दोस्तों हमारे आ जाते हैं प्लांट बेस्ड फूड, चाहे दालें, सब्जियां, वेजिटेबल, फ्रूट्स, ये सब आ जाते हैं। अब वीगन में क्या चीज़ें नहीं खाई जाती, नॉन वेज तो दोस्तों बिल्कुल नहीं खाया जाता, प्लस एनिमल से जो कुछ भी आ रहा है, चाहे दूध आ रहा है, पनीर आ रहा है, घी आ रहा है, मक्खन आ रहा है, ये भी वो लोग नहीं खाते, क्योंकि उनका ये मानना है कि हम नेचर को हर्ट नहीं करेंगे। तो वो एक वेगनिज्म एक कल्चर है जो यहाँ में यूरोप में यूएस में मे बी इंडिया में भी अब लोग फॉलो करते हैं वीगन डाइट। तो वीगन में इन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है दोस्तों। बाकी बात करूँ और इसके और थोड़ा डिटेल में बताऊँ, तो ऐसे बहुत सारी घटनाएं भी हो चुकी है इंडिया में, दुबई में मेरे साथ खुद एक दो बार हुई, एक दो रेस्टोरेंट भी ऐसे क्लोज हुए। तो वीगनिज्म दोस्तों ये लोग हैं ना, ये लेदर के जूते, लेदर की जैकेट, लेदर का लेडीज़ बैग या और भी कोई लेदर के बैग ये लोग यूज़ नहीं करते, ठीक है ना। तो ये वीगन डाइट को प्रॉपर फॉलो करते हैं। एलर्जी, तो लोगों को एलर्जी, यहाँ यूरोप में बहुत सारे लोगों को एलर्जी है, जैसे किसी को दूध से एलर्जी है, लैक्टोज टॉलरेंस है, क्योंकि दूध में लैक्टोज होते हैं, दूध क्रीम में है ना, मक्खन में, इनको एलर्जी रहती है। नट्स से, जितने भी हमारे ड्राई फ्रूट्स आ गए इनमें, इनसे एलर्जी रहती है थोड़ी। किसी को गार्लिक या प्याज से भी एलर्जी रहती है, किसी को अंडे से एलर्जी रहती है, ठीक है ना। तो इन चीज़ों से इन लोगों को एलर्जी रहती है, तो इन चीज़ों का हमें बहुत सारा ध्यान रखना पड़ता है। किसी को ग्लूटन फ्री डाइट चाहिए, जैसे आटे में मैदे में ग्लूटन रहता है हमारे, है ना। ग्लूटन फ्री का क्या होता है सिस्टम, तो हमारे होटल की एक बात बताता हूँ। ग्लूटन फ्री में ऐसा होगा कि हमारे जहाँ दुबई में था मैं, पूरा एक ग्लूटन फ्री के लिए हमारे पास पूरा सेटअप रहता था। कटिंग बोर्ड अलग से होता था उसका, नाइफ और की स्पून हो गए, उसका पैन हो गया, पूरी एक किट हमारी बना के रखी होती थी साइड में, अगर कोई गेस्ट इन केस हमारे होटल में आता है जिसको ग्लूटन फ्री फूड चाहिए, तो हम उसके लिए बना के देते थे। उसके लिए हम अलग से प्रिपरेशन करते थे, उसके लिए हम हाथों में ग्लव्स पहन के, मास्क लगा के, और जो हमने बर्तन उसके लिए अलग से रखे होते थे, पर्पल कलर का चॉपिंग बोर्ड, ये सब चीज़ें होती है इसमें। तो ये चीज़ों का हम खास करके ध्यान रखते थे, ताकि उस बंदे को कोई एलर्जी ना हो। अगर इनकेस किसी बंदे को ऐसे एलर्जी हो जाती है आपका खाना खाने से, तो भाई बहुत प्रॉब्लम में पड़ सकते हो आप, क्योंकि कंपनी का नाम भी ख़राब होता है, होटल या रेस्टोरेंट का नाम भी ख़राब होता है, कि ये बंदे सीरियस नहीं है किसी चीज़ को लेके। एक बार जब किसी कंपनी का नाम ख़राब हो जाए तो प्रॉब्लम में पड़ जाता है बंदा, है ना। तो ऐसे वेजिटेरियन है, वेजिटेरियन वाला किस्सा सुनाता हूँ आपको, एक मेरा खुद का अपना वाक्य है। मैं दुबई में था एक होटल में, जैसे मैं आफ्टरनून शिफ्ट जाता था वहाँ पे, तो आफ्टरनून शिफ्ट में गया ड्यूटी, तो उस मॉर्निंग शिफ्ट को मैंने भेजा वो कैफेटेरिया अपना खाना वाना लंच करने के लिए चले गए। तो उसी के बीच में कोई 2:30 बजे का टाइम था, तो एक ग्रुप आया इंडियन लोगों का था, मेरे को याद है आज भी, इंडियन लोगों का ग्रुप आया, तो थे वो बॉम्बे से दुबई में शूटिंग वगैरह करने आ रखे थे। तो क्या हुआ, उन्होंने खाने ऑर्डर किए, तो जितने खाने ऑर्डर किए तो 15-20 लोग थे, तो ऑफ कोर्स रेंज पे मैं था और एक लड़का और था मेरे साथ। तो खाने उनको बना के दिए, कुछ वेज खाने थे, कुछ नॉन वेज खाने थे उनके ऑर्डर में, खाने वाने सब चले गए। तो एक वेजिटेबल बिरयानी दी थी किसी को, तो उस गेस्ट ने कंप्लेंट करी कि इसमें तुम्हारी वेज बिरयानी में एक चिकन की बोन है, या चिकन की हड्डी कह सकते हो, ठीक है, तो वो निकल आई उसमें से। अब क्या करें भाई, चिकन की बोन निकल आई, तो पहली बात तो हमारा किचन का पूरा सेटअप ऐसे होता है कि वेज खानों का अलग से रखते हैं, नॉन वेज का अलग से रखते हैं, इवन कि जिस तेल में हम चीज़ें फ्राई करते हैं, नॉन वेज के लिए अलग से ऑयल होता है, और वेज के लिए जैसे फ्रेंच फ्राई या कुछ और वेज स्नैक्स फ्राई करने के लिए अलग से ऑयल रखा होता है। मालूम होगा बहुत सारे भाई लोगों को दुबई में ऐसे चलता है होटल्स में, छोटे छोटे रेस्टोरेंट का तो खैर मैं नहीं कह सकता, पर अच्छी प्रॉपर्टीज में ये चीज़ें फॉलो की जाती हैं। तो वहाँ पे क्या हुआ, बिरयानी में चिकन की हड्डी कैसे आ सकती, मैं खुद ये शॉक्ड था। तो जैसे
ऐसे करके मैनेजर मेरे पास आया रेस्टोरेंट का, अंदर किचन में शेफ आपको गेस्ट बुला रहा है। तो मैं गया गेस्ट से बात करी, मैंने कहा ये हो नहीं सकता सर, कैसे मतलब इसके अंदर से बोन आ सकती। तो उसने कहा भाई तुम लोगों ने मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया। अब होते हैं कई बंदे प्रॉपर वेजिटेरियन होते हैं, इस चीज़ को फॉलो करते, तो धर्म भ्रष्ट कर दिया ये वो बोलने लगा। मैंने कहा चलो ठीक है सर, मैं बिरयानी और बना के दे देता हूँ आपको। कह रहा नहीं अब मेरे को खानी ही नहीं है, जैसे मतलब मैं फिर समझ गया मैं कि ये इन्होंने या जानबूझ के डाली या खुद ही डाली, क्योंकि वेज बिरयानी में कैसे हड्डी आ जाएगी, क्योंकि हमारे राइस अलग से बना के रखे होते हैं ना। चलो कोई बात नहीं, मैंने कहा देख लो फिर। फिर बात F&B मैनेजर्स तक चली गई, GM तक चली गई, तो उन लोगों का पूरा बिल माफ़ हुआ, जो कि 800-900 दराम बिल बन रहा था उनका, वो पूरा माफ़ हुआ। फिर उनको अलग से ट्रीटमेंट देना पड़ा, कुछ डेट्स देनी पड़ी, कुछ गिफ्ट्स देने पड़े होटल की तरफ से। फिर GM से मैं अलग से बाद में मिला, उसने मेरे को बुलाया, जनरल मैनेजर ने होटल का जो था, तो उसने कहा यार ये नॉर्मल है, ये होती रहती, कई बार गेस्ट भी चालू होते हैं जो अपना बिल माफ़ करवाने के चक्कर में ऐसी हरकतें कर देते हैं, क्योंकि उन लोगों को भी मालूम है अंदर का पूरा सेटअप है ना, तो फिर क्या कर सकते थे। ये भी एक इंसिडेंट था जो मेरे साथ हुआ था। ऐसे ही एक रेस्टोरेंट भी बंद हुआ था दुबई की बात बता रहा हूँ, जुमेरा में, आपको मालूम होगा बहुत VIP एरिया है, वहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं जुमेरा में। तो क्या हुआ कि वहाँ पे सीजन के टाइम पे ना फुल पैक हो जाते हैं वहाँ पे रेस्टोरेंट। तो वहाँ का एक शेफ था तो बिजी था, तो उसने क्या किया उसकी एक सॉस खराब हो रखी थी हॉलैंडाइज, तो उसने क्या किया कुछ स्टेक के साथ देते होंगे वो, वैसे सर्व कर दी उसने खराब वाली, जो गेस्ट लोगों ने खाई उनको फूड पॉइजनिंग हो गया, और 18 गेस्ट की लिस्ट आई थी जो हॉस्पिटलाइज हो गए थे। तो दुबई के भाई साहब रूल है ये कि अगर कोई बंदा खाना खा के हॉस्पिटल जा रहा है तो उसकी पूरी डिटेल निकालते हैं, भी बंदे ने कहाँ खाया, क्या खाया, कब खाया, पूरी डिटेल निकाल के जो वहाँ की म्यूनसिपालिटी है, दुबई की गवर्नमेंट के जो अपने इसके लिए एक टीम बना रखी है, उन्होंने उस रेस्टोरेंट पे जाके रेड मारी, वहाँ और भी चीज़ें खराब निकली। तो इस बिहा पे वो रेस्टोरेंट भी क्लोज किया, जो वहाँ का शेफ था उसको 5 लाख दराम का जुर्माना डाला, प्लस वो शेफ को जेल भी डाला, क्योंकि उन्होंने इन चीज़ों में अनदेखी करी या अपना जो भी प्रिकॉशन नहीं लिया या हैसअप को नहीं फॉलो कर रहे थे। दुबई में हैसअप को बहुत फॉलो किया जाता है, आपको मालूम ही होगा कि हर किचन का हर, चाहे एक बर्तन धोने वाला है चाहे एक कुक है, दोनों को हैसअप की ट्रेनिंग करनी पड़ती है। तो इन चीज़ों का भाई ध्यान रखना पड़ता है, अगर आप यूरोप आ रहे हो तो इन चीज़ों के बारे में पहले थोड़ा सर्च करके आओ, इन चीज़ों को अच्छे से फॉलो करो। बाकी मैंने तो आपको इस वीडियो में क्लियरली बता ही दिया, अगर फिर भी कोई क्वेश्चन होगा तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, और वीडियो को लाइक करो यार, शेयर करो, कमेंट करो। का लिंक फेसबुक का, इंस्टाग्राम का मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच।